भी देख सकते हैं ना। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं अपन अगला टॉपिक, काइंड ग्लूक नो लक। काइंड ग्लूक का मतलब है नो लक। आईने बिल्ड गिशिस्ते, बिल्ड गिशिस्ते का मतलब है फोटो से आपको एक कहानी बनानी है, ठीक है। वो पासेंडी व्योटर, ये जो वर्ड्स लिख रहे हैं ये कहां फिट होंगे इस बिल्ड गिशिस्ते में, जो पिक्चर स्टोरी है ये, इसमें ये कहां फिट होंगे। देयर बूस, तो देयर बूस कहां फिट होगा, बे में ना। देखो बस आ रही है, राइट। दास फराड कहां फिट होगा, आ में। दी उबान, उबान कहां फिट होगा, यहां पे सेम है। सुफुस गेन कहां पे फिट होगा, डे में। देखो राइट, होगा नहीं होगा, देखो एक बार, देखो ये रहा आ, देयर बूस और दास फराड, डबल भी हो सकते हैं ना। देखो फराड की बात भी हो रही, बस की बात हो रही, दोनों हो सकते हैं ना इसमें। ओके फोटो बे में देखो केवल बुस दिख रही है आपको, और उबान भी दिख रही है, उबान का साइन भी आ रहा है ना। देखो उबान मतलब अंडरग्राउंड जो ट्रेन जाती है। ओके सेम है, क्या दिख रहा है, दी उबान, केवल उबान दिख रही है आपको, नहीं नहीं उबान अंडरग्राउंड ट्रेन, बान का मतलब होता है ट्रेन, सूप तो ट्रेन होती है, अलग क्लासिफाइड किया हुआ इसको, जो अंडरग्राउंड जाती है उसको उबान बोलते हैं, जो ट्रेम चलती है उसको एसवान बोलते हैं, ट्रेम ट्रेम उसको एसवान बोलते हैं, और जो सूग होती है वो वैसी ट्रेन होती है लंबी दूरी वाली, उनको सूग बोलते हैं ना। और डे में क्या हो गया, सूफिस गेन, ए में कुछ नहीं आया, तो उसको ठीक कर लो आप लोग, देख लो चाहे तो पिक्चर्स पे। यहां तक कोई दिक्कत, चले आगे। ओके अब देखो वेल्शिस बिल्ड पास, कौन सा फोटो मैच होगा। सेंटर लिखा ओ नाइन काइंड ए फार कार्ट है, काइंड ए फार कार्ट का मतलब है नो टिकट्स, नो टिकट्स कौन से वाले फोटो में लग रहा है आपको। देखो फार कार्टे पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, टिकट नहीं है ना, तो फोटो कौन सा मैच होगा यहाँ पे, सिक्स है ना। आगे देखो आख ने काइनबुस अल्सो स्नेल, वो इज द उबान, कौन सा फोटो मैच होगा, बे होगा है ना। आगे देखो ओए काइन फराड स्नेल दास काइनबुस, कौन सा होगा, आ ना, ई सर, आ आ दे रखा है ना, तो आ नहीं चौथे में ई आ होइटे काइंड टेस्ट जॉइन ग्लूक, तो ए हो गया ये होइटे काइंड टेस्ट, तो पहुंची टेस्ट ही नहीं था आज। और इस गेस सुफोस आई गो टू द आई गो बाय वॉक, यस आवर स्नेल, लेकिन जल्दी, तो कहां जा रही है, फोटो हो गया डे डे डे, मैच कर लो और देख लो एक बार आंसर मिला लो।
डन, चले आगे। हाँ जी, इस दस ट्राइबिन जी, ये बताना है आपको क्या एक बस है, इस दस आइन बस, क्या बस दिख रही है आपको, ये क्या दिख रही है, मेट्रो ट्रेन, दस इस आइन है उबान ना, उबान उबान है, देखो तो दस इस आइन है उबान, नहीं दस इस आइन है उबान ना, ऐसे लिखना है आपको, इस दस आइन बस, नहीं दस इस आइन है दिस इज ट्रेन, क्या करो इनको, इस दस आइन आउटो, आउटो दिख रहा है क्या आपको, दस इस आइन दस फराड, दस इस आइन फराड, दस फराड नहीं, दस इस आइन फराड, दस इस आइन फराड ना, जी सर, ओके पूरा करो उसको जल्दी से, क्या आएगा देखते हैं, सर ये मेट्रो टिकट्स को क्या बोलूं, मेट्रो टिकट पांच नंबर कॉन्सर्ट कार्टन, नाइन जीज इन फार कार्टन, फार कार्टन, फार एफ एच आर के ए का के ए आर टी एन, फार फार के ए आर टी एन, फार कार्टन, एक बार देख लो बिलावलिन सर, डन, चले आगे। तो देखो काइन आ गया यहां पे, देयर, देयर का आइन और काइन, दास का आइन और काइन, डी का आइन है और काइन है, और डी का काइन है, और ऐसे आइन की तरह चलती है काइन की टेबल ना, तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, नेगेशंस आर्टिकल ना, नेगेशंस आर्टिकल, चले आगे, लिंक, लिंक्स रेस गिराडे हाउस, लिंक्स का मतलब होता है लेफ्ट, देखो लिंक्स का मतलब होता है लेफ्ट, रेस्ट का मतलब होता है राइट, और गिराडे हाउस का मतलब होता है स्ट्रेट, बना हुआ है आपके नीचे देखो ये रहा, जीवन आप देख रखा है, वेग बिश्राइबुंगन, रास्ता आपको डिस्क्राइब करना है ना, ह्यूरन जी सुनना इसको, वास जुकन डी पेजोनन, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, नोटीरियन जी नोट करिए, राइट,
तो देखो सुनना है, फर्स्ट में क्या सर्च कर रहे वो सुन के आपको बताना है। ऊपर से दिया हुआ है आंसर, यहाँ पे दिए हुए हैं देखो, दस होटल डी क्रिशे, दस राट हाउस, दस थिएटर डी उबान। तो इनमें से सुन के बताना क्या आएगा, राइट। Eins. Entschuldigung, wo ist das Theater? Sie suchen das Thalia-Theater? Ja. Das ist ganz einfach. Gehen Sie links. Sie kommen zu einer Straße. Sie heißt Alstertor. Da gehen Sie links und immer geradeaus. Da kommen Sie direkt zum Theater. Also links bis Alstertor, dort links und dann immer geradeaus. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte, gern. Zwei. Entschuldigung, wo ist bitte die U-Bahn? Das ist ganz einfach. Gehen Sie rechts, da ist die Heinestraße. Gehen Sie rechts und dann gleich links. Da ist die U-Bahn. Also rechts bis Heinestraße und wieder rechts und dann links. Ja. Danke. Bitte gern. Drei. Entschuldigung, wo ist das Hotel Linde? Gehen Sie immer geradeaus. Da ist die Marktstraße. Gehen Sie rechts. Da ist das Hotel Linde. Ist das weit? Nein, 5 Minuten. Vielen Dank. Bitte gern. पहले में थिएटर था, दूसरे गेस्ट पेस में डी उबान की बात करी थी और तीसरे गेस्ट पेस में दास होटल की बात करी थी। नहीं, थालिया थिएटर बोला था, थिएटर दस थालिया थिएटर। एक बार और सुनाओ, बताओ और सुन लो, लो एक बार और चला देता हूं। Eins. Entschuldigung, wo ist das Theater? Sie suchen das Thalia-Theater? Ja. Das ist ganz einfach. Gehen Sie links. Sie kommen zu einer Straße. Sie heißt Alstertor. Da gehen Sie links und immer geradeaus. Da kommen Sie direkt zum Theater. Also links bis Alstertor, dort links und dann immer geradeaus. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte, gern. Zwei. Theater bola na? Entschuldigung, wo ist bitte die U-Bahn? Das ist ganz einfach. Second guest pass hier, na? Second conversation tab chal diya bhai. Sir, pehla kuch samajh mein nahi aa raha tha, dusra aur teesra to clear pata lag raha hai, kya puch raha? Theater bola na, Thalia theater. Theater, theater kar raha hai sir. To theater, theater hi bolenge, theater hi hai ye. Theater nahi hai, theater German mein जर्मन में थिएटर ही बोलते हैं भैया। नहीं बोलते हैं, सुनने में थोड़ा वो सर, क्यों वो तो प्रॉपर लैंग्वेज में बोलते हैं ना, इस हिसाब से थोड़ा प्रॉपर ही तो बोल रहा है वो, जर्मनी तो बोल रहा है और कैसे बोलेगा। नहीं वो पूरा प्रॉपर बोल रहा है ना, इतना अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो थिएटर आटा आटा समझ आ रहा है। तो आपने पहली बार सुना है ना, इसलिए और लग रहा होगा थोड़ा सा ना। सेकंड सुनो। Einfach. Gehen Sie rechts. Da ist die Heinestraße. Gehen Sie rechts und dann gleich links. Da ist die U-Bahn. Also rechts bis Heinestraße und wieder rechts und dann links. Ja. Danke. Bitte gern. Drei. Entschuldigung, wo ist das Hotel Linde?
Gehen Sie immer geradeaus. Da ist die Marktstraße. Gehen Sie rechts, da ist das Hotel Linde. Ist das weit? Nein, 5 Minuten. Vielen Dank. Bitte gern. Dann? Frage sollen wir? Bitte gehen Sie geradeaus. Bitte go, please. Bitte, please. Please go straight. To go. कुछ वर्ब तो याद निकाल करो. गेन कितनी बार आ गई? गेन. गेन तो मतलब विलिंगली, हैप्पीली. गेन. गेन भी 50 बार आ गया सर. बस बॉक्स टू गेन. स्ट्रिंग के काफे गेन. इस शो में गेन चैप्टर के फर्स्ट में आया था. आपको याद होता है ना? Hören Sie noch einmal, welche Wegbeschreibung passt. इसमें बताना है, सुनना है इसको. और फर्स्ट वाले गेस्ट पेस में कौन से वाले रास्ते की बात हो रही है, सेकंड वाले में कौन से वाले रास्ते की बात हो रही है, और थर्ड में कौन से वाले रास्ते की बात हो रही है. दोबारा सुना रहा हूं आपको, पकड़ना है कौन सा रास्ता बता रहा है ना. क्लियर? Eins. Entschuldigung, wo ist das Theater? Sie suchen das Thalia-Theater? Ja. Das ist ganz einfach. Gehen Sie links. Sie kommen zu einer Straße. Sie heißt Alstertor. Da gehen Sie links und immer geradeaus. Da kommen Sie direkt zum Theater. Also links bis Alstertor, dort links und dann immer geradeaus. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte, gern. Zwei. Entschuldigung, wo ist bitte die U-Bahn? Das ist ganz einfach. Gehen Sie rechts, da ist die Heinestraße. Gehen Sie rechts und dann gleich links. Da ist die U-Bahn. Also rechts bis Heinestraße und wieder rechts und dann links. Ja. Danke. Bitte gern. कौन सा हुआ? थर्ड वाला. देखो राइट, फिर राइट और फिर लेफ्ट. देखो यहाँ पे खड़े हो आप, है ना? तो यहाँ से राइट, यहाँ से राइट जाना है, राइट बोलना है, तो राइट हो गया, फिर राइट और फिर लेफ्ट. ये राइट कैसे हुआ, लेफ्ट हुआ है तो? नहीं, ये वाला पूरा राइट हुआ है तो. यार भाई साहब, वो इससे नीचे राइट चल देगा, अगेन चेक. भाई यहां से कह रहा है, यहां से जाके राइट लो. हां, नीचे जाके राइट लो. नहीं, इस जगह पे खड़े हो ना आप. हां, तो आप कह रहे हो राइट जाओ भाई साहब. हाँ. तो राइट गए. हाँ. फिर आगे जाके राइट ले लो. हाँ. फिर लेफ्ट ले लो. अरे सर, कैसी बात कर रहे हो गुरुजी. ये देखो, ये यहां से राइट जाओ, फिर राइट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ. दो बार राइट लेना पड़ेगा ना. हाँ, दो बार तो राइट लेना पड़ेगा. तो वही तो मैं कह रहा हूं, यहां से राइट और यहां से लेफ्ट. देखो भाई, राइट फिर राइट और फिर लेफ्ट, ऐसे तो बनेगा. क्या दिक्कत आ रही? सर आपके अकॉर्डिंग नहीं करना, फोटो के अकॉर्डिंग देखो. फोटो में निशान कहाँ लग रहा है? इनके कहने का मतलब ये है सर, देखो ये जैसे ये हाथ कर रखा है, मैं इस पॉइंट से चलेगा तो सीधा चलेगा, तो पहला राइट. तो वो बोलेगा राइट जाओ ना. तो भाई देखो, इधर जाओगे तो सर इधर देखो, ये इधर लेफ्ट हुआ, तो इधर राइट नहीं, राइट ही तो भेज रहा है आपको हाथ से. मैं नीचे की बात करूंगा, लास्ट कौन सा एरो घूम रहा है ना, वो भी तो राइट हो, आपको उसको लेफ्ट बोल दूंगा सर. अरे सरकार, तो यहां से तो लेफ्ट ही हुआ ना, यहां से जाके राइट तो ऐसे घूमोगे ना फिर यहां से. भाई मान लो ये आदमी ऐसे जा रहा है. अरे सर, आप ऐसे जा रहे हो,
यहाँ खड़े हो आप, राइट जाओ, राइट तो ये हुआ ना, फिर से राइट गया, तो यहाँ से अगर आदमी यहाँ खड़ा है तो राइट तो इधर जाएगा ना, वो लेफ्ट लेफ्ट तो ये हुआ ना उस आदमी का, नहीं समझे? उस फोटो से देखो ना भाई, आदमी जब यहां से आ रहा है ऊपर से, ठीक है, तो उसका लेफ्ट तो इधर हुआ ना, राइट इधर हुआ, तो उस पॉइंट से बात करो ना, आप अपने हिसाब से मत करो उसको। हाँ जी, और किसी को वो है क्या संशय, कोई डाउट इसमें है क्या, राइट लेफ्ट वाले में बताओ, हेलो नहीं, नहीं किसी को नहीं है, नहीं सर नहीं हुआ, सारे सही जुड़ ला, समझ में आ रहा है इन सबके यार, ओके थर्ड वाला सुन लो तो एक बार, ज्ञान drei. Entschuldigung, wo ist das Hotel Linde? Gehen Sie immer geradeaus. Da ist die Marktstraße. Gehen Sie rechts, da ist das Hotel Linde. Ist das weit? Nein, 5 Minuten. Vielen Dank. Bitte gern. Ja, lo, yes, unge. ये फोटो, ये गेस्ट पेज ड्राई हो गई, और मिला लेते हैं एक बार आंसर, हाँ जी देखो, ये थिएटर वाला हुआ इंद्र मिट्टे, है ना, थिएटर वाला कौन सा था, अपन ने किया था ना, देखो एक नंबर कहाँ डाला अपन ने, यही डाला है, यही तो है ना, और ये उबान वेगे किसी रेस्ट, ये वाला, ये उबान हो गया, दो वाला हो गया ना ये, और वो ये लिंक्स वाला हो गया आपका, होटल वाला ना, क्लियर भाई, कोई है जिसकी समझ में नहीं आया हो, बताइए, आगे समझिए, ओके, इंपरेटिव पढ़ाए थे मैंने आपको, या नहीं पढ़ाए क्या इंपरेटिव, तो गेंजी लिंक मतलब लेफ्ट जाइए, कोई रास्ता पूछता है तो आप कैसे बताते हो, भाई साहब लेफ्ट जाओ, आगे से लेफ्ट चले जाओ, और वहां से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, और आगे चौराहा आएगा, रेड लाइट आ गई, वहां से राइट जाना है आपको, और सामने ही वो है, स्कूल है, ऐसे बोलते हैं ना, तो बिट्टे गेन जी लिंक्स मतलब प्लीज गो लेफ्ट, अगर मैं बोलूं बिट्टे गेन जी रेस्ट प्लीज गो राइट, बिट्टे गेन जी गिराड़े हाउस बिट्टे गो स्ट्रेट, पारन जी गिराड़े हाउस मतलब बिल्कुल सीधे ड्राइव करके चले जाइए, इसका मतलब ये हुआ, आप देखो आपको किसी से रास्ता पूछना है तो आप बोलोगे एंशुल्डिगुंग, वो इस बिट्टे डी डी राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो मैं क्या बताऊंगा बेटे गेंद जी गिराड हाउस यहां से उन दान लिंक्स ऑन आम ऑन देयर नेक्स्ट इन क्रॉसिंग रेस्ट ऑन इमर गिराड हाउस ना ड्राई 100 मीटर फिंडन जी दी यूनिवर्सिटी ना, मैंने कैसे रास्ता बताया, यहां से सीधे गए आप ग्लास टावर से लेफ्ट लिया, आगे जो ट्रांसपोर्ट वो पहले पासपोर्ट ऑफिस था वहां से राइट, सीधे स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाएगी, यही बताया मैंने आपको, देखो मैंने रास्ता कैसे बनाया, देखो मैं यहां पे उस जगह पे मैंने बोला कि भाई साहब बिल्कुल स्टेट चले जाओ, चले गए आगे जाके लेफ्ट ले लो, लेफ्ट लिया तो ऐसे फिर आगे जो रेड लाइट आएगी वहां से राइट लेना है आपको, और बिल्कुल स्टेट चलना है सीधा 400 मीटर, और 400 मीटर जाके आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिख जाएगी, बना के नहीं रास्ता, तो यहां से स्ट्रेट हो गया गिराडे हाउस हो गया, देखो गिराडे हाउस हुआ ना, फिर लिंक्स हो गया, फिर रेस्ट हो गया, और फिर यहां से इमर गिराडे हाउस,
इस पॉइंट पर राइट लोगे ना भाई, या सीधे जा रहे हो तो राइट लेना पड़ेगा, फिर बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से। तो देखो दस इज गाइंस आइनफा, दस इज गांस आइनफा मतलब बिल्कुल सिंपली सरल है ये। गेंस दी रेस्ट अगेंस दी ग्राडेउस दान लिंक्स ऑन दान रेस्ट ऑन इमर ग्राडेउस, गेंस दी ग्राडेउस गेंस दी लिंक्स दान रेस्ट ऑन इमर ग्राडेउस देन रेस्ट। क्लियर? बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो। दिस इज ein ganz einfach मतलब दिस इज क्वाइट इजी, दिस इज क्वाइट इजी, einfach का मतलब होता है इजी। गेन द रेस्ट मतलब गो राइट, गेन द लिंक्स गो लेफ्ट, गेन द ग्राडेउस गो स्ट्रेट, उन दान लिंक्स और रेस्ट जैसा भी आपको बताना है सिचुएशन। दा इज देयर यूनिवर्सिटेट, दास इज दी यूनिवर्सिटी शुड बी लाइट, है ना। तो वगैरह आल्सो हियर रेस्ट हियर लिंक्स ग्राडेउस उन दान इमर ग्राडेउस या गिनाओ फिल एंड डांक बिट अगेन। देखो सर यार अगेन यार यू आर वेलकम, है ना, या बिटे होता है यू आर वेलकम प्लीज, गेन मतलब ग्लैडली विलिंगली बोलते हैं। वीडियो कौन सा है देखते हैं। Excuse me. Sorry. Entschuldigung, Viktualienmarkt? Sie wollen zum Viktualienmarkt? Viktualienmarkt, yes, yes. Okay. Gehen Sie die Straße hier bis zum Isartorplatz. Okay. Dann gehen Sie durch das Isartor immer geradeaus bis zum Marienplatz. Marien? Ja, und vor dem Marienplatz gehen Sie nach links und dann sehen Sie den Viktualienmarkt. Thank you. Danke schön. उसने बोला देखो स्ट्रेट जाओ, एक बड़ा सा गेट आएगा, उस गेट पे होके जाना आपको स्ट्रेट, आगे मरीन प्लस एक ये आएगा चौराहा आएगा, वहां से लेफ्ट जाना है और लेफ्ट पे ही आपको दिख जाएगा विक्टोरियामार्क। या एक बार चलो excuse me. Sorry, Entschuldigung, Viktualienmarkt? Sie wollen zum Viktualienmarkt? Viktualienmarkt, yes, yes. Okay. Gehen Sie die Straße hier bis zum Isartorplatz. Okay. Dann gehen Sie durch das Isartor immer geradeaus bis zum Marienplatz. Marien? Ja, und vor dem Marienplatz gehen Sie nach links. Und dann sehen Sie den Viktualienmarkt. Thank you. Danke schön. Also. Danke. Bis zum Till to da. Dekho. आपके आ गया। अब देखो एंशुल्डिंग वो इज देयर पार्क, पार्क कहां पर है ये एक डायग्राम दे रखा है, पार्क देखो ये रहा। अब लेकिन ये बता रहा है वो कहां पे, आप यहां पे हो ए पे आई गेस ना, तो देखो ए पे हो आप, तो ये कह रहा है गेन जी रेस्ट उन दान गिराडे हाउस, वो कहां पे ये बता नहीं रहा, एक मिनट रखो, सील बी से स्टार्ट कर रहा है ये, हाँ यहां पे हो भाई बी पे, देखो
नहीं इस जगह पे हो, यहां से चलना है। अब यहां से राइट जाना पड़ेगा ना, इस जगह से तो राइट ही जाऊंगा ना, इस जगह से तो आप राइट ही जाओगे, राइट ही जाना पड़ेगा ना, ऐसे जाओगे ना। तो वो कह रहा गेंज रेस्ट ऑन डन गिराड हाउस, वो यहीं पे जाके पार्क दे जाएगा आपको। या देखो राइट गए और स्ट्रेट ना सीधे गेंज रेस्ट है ना, यहाँ पे खड़े हो यहाँ राइट चले जाओ, राइट गए और इमर गिराड हाउस, और जहां पे जाके यही पार्क दिख जाएगा। देखो यहाँ पहुंचोगे वही पार्क दिखेगा सामने आपको, नहीं दिखेगा जी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये चीज समझ में आई कि नहीं? चलें आगे। यहाँ पे गेम खेला जा सकता है, मान लो ये जो वुरफल है, वुरफल का मतलब पासा, पासा फेंकेंगे अपन डाइस ना। अब दो बार फेंकना पड़ेगा, एक बार फेंकेंगे तो इनमें से कुछ आएगा, ए बी सी डी ई में से, एफ में से, क्योंकि देखो आ बे से डे ए एफ ऐसे ना, यहाँ की चल इस जगह चलना पड़ेगा ना अपने को। अब मान लो एक बार फेंका तो ए आ गया मान लो, और अगली बार फेंका तो आ गया मार्क्ड आ गया मान लो, तो अपना हो गया ए से चलना है आपको और मार्केट जाना है राइट। ए कहाँ पे है? ये रहा। अब ए से मार्केट कहाँ है? मार्क देखो मार्क, ये रहा मार्क, ये मार्क है आपका। ए से आप चलोगे जाना पड़ेगा, देखो तो देखो गेंज गिराडे हाउस दान लिंक्स और नेमर गिराडे हाउस, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। लिंक्स बोल दिया ना, हाँ गेंज गिराडे हाउस उन लिंक्स और नेमर गिराडे हाउस। या फिर ऐसे नहीं जा रहे हो तो ऐसे भेज सकते हैं, देखो ऐसे भेज सकते हैं अपन, तो गेंजी ग्राड हाउस दान लिंक्स दान रेस्ट और दान फ्रेंडेंसी डेनमार्क राइट स्टेट लेफ्ट एंड देन राइट। आइए इस तरह से। आज इसमें कोई संशय हो बताओ, कोई डाउट हो तो बताइए आप जरा। सबकी समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कहां से? ईसे होटल जाना है। होटल होटल तो बहुत लंबा हो जाएगा सर जी, इधर होटल मत भिजवाओ, उधर से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बहुत। होटल ऐसे चलते हैं, ऐसे चल लो, एक मिटा दूं उसको, ऐसे मिटाने को नहीं है। ऐसे गए आप वहां से, आप ए पे खड़े हो, ऐसे तो लेफ्ट जाना पड़ेगा ना, ए पे खड़े हो तो राइट लेफ्ट लेफ्ट जाना पड़ेगा ना भाई। हाथ यहाँ पे है, ये जगह है, ये तो लेफ्ट हुआ नहीं, ये राइट हुआ, ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ, तो यहाँ से लेफ्ट जाओगे फिर ऐसे, फिर ऐसे पहुंच जाएंगे उन गेंज लिंक्स उन ग्राडे हाउस उन दान रेस्ट दान रेस्ट उन लिंक्स उन इमर ग्राडे हाउस या दान गेंज दास होटल। चले आगे। हाँ जी इवेंट्स इन हम्बुक, तो देखो थिएटर दिख रहा है आपको, कॉन्सर्ट हॉल दिख रहा है और एक डायरेक्टर दिख रहा है इसमें, है ना। तो नीचे कुछ लिखा हुआ है, इनको पढ़ के कोशिश करो कौन से वाले फोटो से मैच हो रहे हैं। फिर अनस्टाल्टुंग स्टिप्स,
इवेंट, फेरांस्टाल्टुंग का मतलब होता है इवेंट्स, इवेंट स्टेप्स, हम्बुर्ग थिएटर, जर्मन में फेरांस्टाल्टुंग बोलना पड़ेगा, फेरांस्टाल्टुंग स्टेप, हम्बुर्ग थिएटर फेस्टिवल, ये 12 से लेके 18 अक्टूबर तक हो रहा है। देखो स्पेनिश में चलता सेम, और देखो सुम फेस्टिवल कॉमन डॉइश प्राकी के थिएटर आउट डॉइशलैंड जो स्वाइस उन देर स्वाइस, मतलब इस जो हम्बुर्ग का थिएटर हो रहा है उस फेस्टिवल में जर्मन स्पीकिंग थिएटर आ रहे हैं, कहां से, जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से और स्विट्जरलैंड से। इन दीजम यार साइगन डी शाउ ब्यू ने बर्लिन दस वीनर बुक थिएटर दस डॉइचे थिएटर बर्लिन उन दस थिएटर बाजल ईडीएफ प्रोडक्शनन। तो इस साल बर्लिन और वीन बुक थिएटर, जर्मन थिएटर बर्लिन उन थिएटर बाजेल अपने प्रोडक्शन को दिखाएंगे। टिकट्स गिफ्ट एस इन थियाला थालिया थिएटर और इन हम्बुर्ग शाउस्पील हाउस अब 12 यूरो फुम्सेस। तो आपको टिकट कहाँ मिलेंगे, थालिया थिएटर में मिलेंगे या फिर हम्बुर्ग शाउस्पील हाउस में मिलेंगे। यूरो 12.50 यूरो का टिकट है, 12 यूरो फुम्सेस, 12 यूरो और 50 सेंट का हो गया, 50 सेंट तो कर लो 12 96 में 1000 रुपए का टिकट हो गया। तो कौन सा हुआ भैया, देखो कहाँ दिख रहा है आपको थिएटर, कौन सा है इसमें से, बी वाला सर, बी वाला थिएटर है, ठीक है चलो देखते हैं। ओके आगे आओ, ऑर्केस्ट्रा कौन सी है फिर, ऑर्केस्ट्रा मेरे हिसाब से ये थिएटर है, ये ऑर्केस्ट्रा ये बी वाला होगा, ये ऑर्केस्ट्रा वो जो, अरे ये थिएटर में तो ऐसे मेकअप वेकअप कर रखा है ना, थिएटर हुआ ना, ऑर्केस्ट्रा तो ये होगी मेरे हिसाब से ना, है ना, ऑर्केस्ट्रा तो म्यूजिक म्यूजिक इवेंट हुआ ना सर, ये बजा रहे ना ये ग्रुप में देखो ना, ये थिएटर नहीं है, थिएटर में प्ले कर रहे हैं तो वो मेकअप वेकअप कर रखा है ना उन्होंने, देखो ना। ओके ऑर्केस्ट्रा हाउस अलरवेल सुगास्ट इन हम्बुर्ग 25 अक्टूबर। ओके देयर ऑर्केस्ट्रा दास शेम्स एल्जेस इज अम फुम सेंटन सेंटन गा गास इन देयर एल फिलहारमोनी दास ऑर्केस्ट्रा स्पील दास रिक्वेम फॉन वोल्फगम अमाडोस मोसार एस जिंगन देयर स्कोर कोलिगियम वोकाले आउस गेंट उन फियर डिकांटे जोलिसन फिलिपे हेरे वेगेर डिगियर दस कॉन्सर्ट फ्रांसिस उअर अब नॉन इन फ्रांसिस पोयरो। टिकट भैया ये रहा देखो इसका 29 यूरो से टिकट स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सर्ट शाम को 8 बजे स्टार्ट हो रही है, 25 तारीख की बात है। तो ये आई गेस ये होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा है ना, और लास्ट है आपको हम्बुर्ग जीवन स्वांसिस्टन नोइंटन बिस जैक्सटन सेंटन कोई बोल रहे हैं कुंटल लगा दिया उसमें तारीख है ना। तो फियर से 1000 फिल्म फैंस जेन एंड सेंटागन यूवर 900 फिल्में डॉयचे उन इंटरनेशनल प्रोडक्शनन रिगी सोयर उन साउथ स्पीलर कॉमन गेन ना खांबू रागी सोयर फाती आकिन प्रेजेंटियर देन पब्लिकम जाइन एन नोइन फिल्म। तो करीब 100 से ज्यादा फिल्म देखे हो 10 दिन में, 40,000 फिल्म फैन देखने आ रहे हैं इसको, और जर्मन और इंटरनेशनल प्रोडक्शंस आपको देखेंगे यहाँ पे, डायरेक्टर्स और एक्टर्स हम्बुर्ग आ रहे हैं और जो डायरेक्टर फाती आकिन है वो पब्लिकम को अपनी पिक्चर को प्रेजेंट करेगा बताएगा। इसकी लिंक पे सीधा क्लिक कर दो पता चल जाएगा ना ऊपर वाले पिक वाले कौन सा लिंक नीचे दे रखा है कैसे होगा लिंक तो इससे पता लग ही जाएगा लिंक दे रखे हैं। तो ये देखो ना अब आंसर देख लेते हैं इसके।
देर कहीं का आंसर हाँ ये रहोगे ना देखो ये रहा ये देखो थिएटर म्यूजिक और फिल्म सही थे हम सर ये लिंक से ही पता चल रहा है सर हाँ वो तो थिएटर में तो ऐसे ही होगा ना फोटो से ही पता चलता है वहाँ पे सेम वो ही दिया है उसने अच्छा है 5,000 धर्म का यहाँ कितने का है दुबई में 1,00,000 का है 5,000 धर्म का मतलब कितना हुआ 20,000 1,00,000 ही हो गए एक धर्म 20 रुपए का क्या फायदा हुआ यहाँ ज्यादा का होगा चलो आप चले आगे नीचे देखो कुछ वर्ड्स आ रहे हैं आपके देखो इंग्लिश में देखो आप द थिएटर फ्रांसीस में बोलते हैं ये जर्मन में क्या बोलेंगे इसको देखो वर्ड देख लेते हैं एक बार नहीं आया था द थिएटर देखो वर्ड्स अपन ने पढ़े थे ये देखो ना द थिएटर को क्या बोलेंगे द थिएटर द फेस्टिवल को क्या बोलेंगे द फेस्टिवल द ऑर्केस्ट्रा को क्या बोलेंगे द ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा द स्क्वायर को क्या बोलते हैं द स्कोर देयर स्कोर हो जाता सॉरी और द कॉन्सर्ट इज द कॉन्सर्ट द फिल्म इज द देयर फिल्म और द ऑडियंस को बोलते हैं द पब्लिकम सुन लो एक बार इनको ना Das Theater. Das Theater. Das Festival. Das Festival. Das Orchester. Das Orchester. Der Chor. Der Chor. Das Konzert. Das Konzert. Der Film. Der Film. Das Publikum. Das Publikum. सर ये द कोयर क्या चीज है कोर अच्छा चोर चोर नहीं है कोर है कोर हाँ सर वही हाँ कोई किसी को पता है कोर क्या होता है जया डू यू नो दिस इंग्लिश वर्ड समथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक या चर्च में होता है ग्रुप में देखा होगा आपने चर्च में सिंगिंग होती है ना ग्रुप में उसको बोलते हैं कोर सिंगिंग होती है ना आगे समझ में सर हाँ जी अगला आ जाओ यार साइटन इन डार्क डार्क का मतलब है देखो छत नहीं है डी ए सी एच डी फॉर डॉयचलैंड ए फॉर ऑस्ट्रिया सी एच फॉर स्विट्जरलैंड यार साइटन मतलब सीजन्स सीजन इन जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड क्योंकि तीनों कंट्रीज में जर्मन बोली जाती है ना इसलिए तो देखो ये क्या है विंटर ये क्या है फ्रूलिंग ये क्या जोमा और ये क्या हो गई ऑटम ठीक है हो गई ना अब जो फ्रूलिंग जो है मार्च अप्रैल और मई 3 महीने ठीक है जोमर यूनी यूली अगस्त 3 महीने अभी जोमर चल रही है वहां स्टार्ट होगी कल से जोमर है भाई 3 महीने जोमर चलेगी ठीक है सितंबर अक्टूबर नवंबर हैच्ड और दिसंबर जनवरी फरवरी विंटर क्लियर तो मंथ के नाम लिख दो भाई यहां पे मंथ के नाम किस किस को याद है जनवरी फरवरी लिखे हुए ऊपर मार्च अप्रैल मई जूनी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर
Sir, herbs, matlab autumn. Yes. And fueling means? Fueling is like fall. Snowfall. Follow that. Eh? Snowfall. Any, spring, spring. Spring. उधर फिर रेन नहीं सीजन नहीं होता नहीं रेनिंग नहीं होता वहां पे तीन ही सीजन होते हैं वहां पे तीन के चार होते हैं रेनिंग नहीं होता रेनी सीजन नहीं होता रेनी कब रेन तो हमेशा ही आती रहती है ना तो भाई कोई सीजन नहीं है रेन तो आती रहती है वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपने ऐसा नहीं मानसून जुलाई में ही आएगा बाकी पूरी साल कुछ नहीं होता तो वहां तो पूरी साल बारिश होती रहती कभी भी हो जाती है बारिश कोई विशेष बात नहीं है इसलिए नहीं होता Fueling autumn कैसे हुआ? Fueling तो spring हुआ, right? अरे कुछ अच्छा नहीं है सूरज छह छह महीने नहीं दिखता भैया ऐसे लगता है नहीं दिखता भाई स्किन गलने लग जाती है लोगों की धूप नहीं मिलती बावड़े हो जाते हैं वो धूप के लिए पता है अब ठीक है अभी फिलहाल समर में सर्दी तो बेकार है बहुत बुरी है सर्दी भैया अपने लिए लायक नहीं है सर्दी अपन रह नहीं सकते एडिक्टेड नहीं है ना अपन पर ऐसा लगता है निकलो यहां से है ना बाहर जा नहीं सकते बड़े लोग घरों बंद बर्फ ही बर्फ पड़ती रहती है ना खुद ही भरो ना हाँ जी देखो वैसे यार साइड जेन जी आउट देन फोटोज फोटोज पे कौन सी दिख रही है आपको देखो आ में क्या है फोटो आ विंटर विंटर राइट फोटो बे में क्या है फ्यूलिंग और से में क्या हो गई जोमा देयर जोमा और देयर हैप्स डे में लिख दो भैया ये लो जी डे में फ्यूलिंग क्यों हुआ यार एक मिनट आ यार ये तो उसमें होना चाहिए क्योंकि ये तो फ्यूलिंग में नई चीजें तो फ्यूलिंग में निकलती है ना बी वाला फ्यूलिंग होगा हाँ वही तो विंटर ये ग्राउंड है ठीक करो इसको बी वाला फ्यूलिंग है ये क्योंकि साइकिलिंग ये हैप्स में कर रहे हैं क्योंकि जब बर्फ हटती है ना तभी तो प्रकृति आती है फूल खिलते हैं वो सारी चीजें तब फ्यूलिंग में होगी ना वो चीज स्प्रिंग में तो होगा वो काम ग्रीनरी वापस आती है ना सारी मार्च में बर्फ पिघल जाती है पूरी आपकी ना वापस से जो लेक वेक जमी होती है सब वापस आ जाती है अपने उस पे नहीं पंखे होते हैं गर्मी में छोटे छोटे खुला लेते हैं खिड़की खोल लेते हैं दरवाजे फिर दिन में रात में ठंडक हो जाती है टेम्परेचर 35-40 तक आग लग जाती है पर 40 नहीं पहुंचता पहुंच जाता है कभी कभी ऐसी बात नहीं है भाई हाँ तो बावड़े हो जाते हैं वो ओके देखो ह्यूरिन जी वास माखन जी लॉइट है लोग क्या कर रहे हैं वन माखन जी दास कब करते हैं ये ना नोटीरियन जी सुनते हैं इसको और इनको भर के देखते हैं ना आइंस हेलो हियर इज रेडियो अल्स्टर पिराटन unser Thema heute ist Jahreszeiten und Hobbys was machen Sie gern in welcher Jahreszeit rufen Sie an die Nummer ist 0800 33 44 55. Da ist schon der erste Anrufer. Hallo. Also, ich schwimme im Sommer sehr oft. Ich wohne direkt an der Alster und ich schwimme jeden Tag nach der Arbeit, am Abend und am Wochenende auch. 2. Und Sie, Frau Wagner,
Was machen Sie wann? Ja, also im April oder Mai fahre ich gern mit dem Fahrrad. Da ist es warm und schön. Da machen meine Freundin und ich eine Woche Urlaub und fahren jeden Tag. Sport ist einfach mein Hobby. 3. Und jetzt ein Herr aus Barmbek. Was machen Sie wann? Ja, hallo, hier ist Gernot aus Barmbek. Meine Frau und ich reisen viel. Im Herbst ist das super. Es ist noch warm und es kommen weniger Touristen. Wir reisen gern. Wir sehen gern andere Städte, auch in Deutschland. Im Oktober fahren wir nach Leipzig und Dresden und dann im November nach Brüssel. Wir kennen auch Paris und Amsterdam. 4. Frau Riesch aus Altenwerder ruft an. Hallo, Frau Riesch. Hallo, meine Jahreszeit ist der Winter. Ich gehe oft spazieren und ich gehe gerne ins Museum, besonders im Winter. In Hamburg sind so viele Museen, das ist einfach super. Draußen ist es kalt und drinnen ist es warm. स्विमिंग कब होती है जोमर में फॉरट फॉरन इन अप्रैल और मई इन फ्यूलिंग राइजन इन हाइप्स इन म्यूजियम गेन इन विंटर हाँ जी चैप्टर हो गया आपका बस ये वीडियो बचा है इसका